अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको नारान से सैफल मलूक झील तक का सफ़र कराऊंगा। हम सुबह सुबह होटल से उठे और हमने पहले जाके गाड़ी बुक की जिसका फेयर बनता था नारान से सैफल मलूक झील तक 4200 रुपये, लेकिन हमारी जो उनसे बात हुई 4000 में डन हो गई थी। और फिर नाज़रीन हम निकले अपने प्यारे खूबसूरत सफ़र के लिए, जिसमें हम आपको अभी बहुत 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 सारे प्यारे मनाज़र दिखाएंगे। जी, अब ये जो आप होटल देख रहे हैं ये झील रोड पे हैं, यहाँ पे आपको मुनासिब किराए पे होटल भी मिल सकते हैं और नारान के मुकाबले में यहाँ पे पुरसकून आप रह सकते हैं। जब हम थोड़े से ऊपर गए तो हमें स्नो से ढके हुए पहाड़ दिखाई देना शुरू हो गए। फिर दिल बेसाख्ता होके पुकार उठा, सुभानअल्लाह, खुदा की कुदरत। फिर हम इसी के साथ पहुंच जाते हैं जी ग्लेशियर के पास, जो ग्लेशियर को काट के वहाँ से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, जो रास्ता ऊपर सैफल मलूक झील की तरफ जाता है। ये ग्लेशियर आप देख रहे हैं, ये पिघला हुआ ग्लेशियर है सारा, और इस जगह के खूबसूरत नज़ारे आपके दिल को गार्डन गार्डन कर देते हैं। तो फिर आप कहते हैं मुगैम्बो खुश हुआ। यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद आपका दिल करता है कि आप यहाँ पे कोई टेंट लगा लें और पुरसकून माहौल में रहें। फिर आप अपने अगले सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं और इस रोड में आपने जो सुबह खाया होता है वो सारा निकल आता है। इस रोड पे आप कभी भी अपनी गाड़ी ना लाएं, क्योंकि अगर आपका खर्चा यहाँ पे 4200 हो रहा है तो मेरे ख्याल में वो आपको जो है सही रहेगा, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी लाएंगे तो वो जो है 10-15 हज़ार रुपये का जो नुकसान कर देगी वो अलहदा है, और आप इस सफ़र को इंजॉय भी नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं जी सैफल मलूक झील में। यहाँ पे पहले जगह टैक्स देते हैं जो कि पर हेड आई थिंक 20 रुपीज़ है, और हम अपनी बारी का वेट करते हुए सैफल मलूक में इंटर होते ही आपको सुकून वाला माहौल जो है मैसर हो जाता है। आप किसी भी जगह बैठ सकते हैं, यहाँ की पुरसकून फ़जाएँ आपके दिल को और आपके रूह को बहुत ज़्यादा सुकून बख्शती हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।